ये खाली सीटें और बाहर घंटों से बैठे मरीज, अक्सर ये नजारा आपको और हमें सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलता है, चाहे वो प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल हो या अन्य सरकारी अस्पताल। बड़े डॉक्टरों का सीट से नदारद रहना किसी से छिपा नहीं है। कहने को तो चिकित्सकों का अस्पताल में 6 घंटे का समय निर्धारित है, लेकिन सच्चाई ये है कि ओपीडी के वक्त आमतौर पर बड़े डॉक्टर सीट पर बैठने से बचते हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में बड़े डॉक्टरों का नहीं बैठना आम शिकायत है। कभी वार्ड का दौरा तो कभी आईसीयू में भर्ती गंभीर पेशेंट को देखने का बहाना या फिर बैठकों में जाने का जिक्र, ये वो रास्ते हैं जिसके बहाने बड़े डॉक्टर आए दिन ओपीडी से दूरी बनाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि दिन भर मरीज ओपीडी में इलाज के लिए इधर से उधर भटकता रहे और शाम को थक हार कर डॉक्टर्स के घर पर दस्तक दे। दरअसल राजस्थान में चिकित्सकों को घर पर कंसल्टेंसी अलाउ कर रखी है, लेकिन इस कंसल्टेंसी की फीस सरकार निर्धारित करती है। पिछली बार वर्ष 2011 में कंसल्टेंसी फीस निर्धारित की गई थी, इसमें अधिकतम 200 रुपए फीस लेने का प्रावधान है, लेकिन कई प्रभावशाली चिकित्सक इस शुल्क की लिमिट को कई साल पहले क्रॉस कर चुकी हैं। कई चिकित्सकों ने तो जांच की आड़ में 500 रुपए तक फीस तय कर रखी है। इस मनमानी पर लगाम के बजाय करीब 1800 मेडिकल टीचर्स की घर की फीस दोगुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा है। प्रदेश में मेडिकल टीचर्स की स्थिति पर नजर डालें तो यहां 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनके अस्पतालों में करीब 1800 मेडिकल टीचर्स सेवाएं दे रही हैं। एक बड़े चिकित्सक की रोजाना घर पर 150 से 200 मरीज की प्रैक्टिस है, यानी 40 से 50,000 रुपए रोजाना की कमाई। इधर अस्पताल का निर्धारित ओपीडी समय 6 घंटे है, लेकिन घर पर कमाई के चक्कर में बड़े डॉक्टर ओपीडी से बचते हैं। अब वित्त विभाग को जो प्रस्ताव भेजा गया है, इसके मुताबिक इनकी फीस बढ़ जाएगी। ये भी देख लीजिए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की होम प्रैक्टिस फीस 100 रुपए है, जो 200 हो जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर की फीस 125 से 250 रुपए हो जाएगी। प्रोफेसर की फीस 150 से 300 रुपए हो जाएगी, तो सीनियर प्रोफेसर की फीस 200 से बढ़कर 400 रुपए हो जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के आग्रह पर फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन विभाग के कर्ता धर्ताओं को इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना होगा कि मनमारी कर रहे डॉक्टरों पर किस तरह से लगाम कसी जाए। प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले विभाग कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करे ताकि डॉक्टर अधिकांश समय ओपीडी में दे। अगर ऐसा हुआ तो न डॉक्टरों का विरोध होगा और न ही मरीजों का दर्द बढ़ेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विकास शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पूछा जाना जरूरी है कि क्या ये फैसला सही है, जनता के हित में है, डॉक्टर्स के हित में है, क्या ये सबके हित में है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अजमेर से जुड़े रहेंगे। मित्तल सर, आपका स्वागत करूंगा। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल साहब राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अग्रवाल सर, डॉक्टर अग्रवाल आपका स्वागत है। अर्चना शर्मा उपाध्यक्ष पीसीसी हमारे साथ रहेंगी। अर्चना जी आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत पारिक साहब बीजेपी नेता हमारे साथ होंगे। लक्ष्मीकांत जी आपका स्वागत है। और डॉक्टर भवरलाल यादव कोषाध्यक्ष राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के होंगे हमारे साथ। हम सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत जी पारिक साहब आपके पास में आ रहा हूं और ये प्रदेश जानना चाह रहा सर। सर ये लक्ष्मीकांत जी सुन पा रहे हैं आप? जी सर, प्रदेश ये जानना चाह रहा लक्ष्मीकांत जी आज, ये दबाव में आपने फैसला लिया है, ये जनहित में फैसला लिया है या डॉक्टर्स हित में फैसला लिया है? सर देखिए, फैसला सरकार ने लिया है। सरकार के पास प्रस्ताव मेडिकल कॉलेज के द्वारा डॉक्टर्स द्वारा भेजा गया था कि 2011 में इस पर एक बार विचार हुआ था, 2011 फीस निर्धारण की गई थी। अब 2017 और 18 आ गया है और कुछ फीस निर्धारण एक बार फिर से की जाए, एक प्रस्ताव बनाकर सरकार पर भेजा। सरकार ने इसको प्रारूप को बना सीधा वित्त विभाग को भेजा है, वित्त विभाग की मंजूरी बाद में लागू हो पाएगा। लेकिन जहां तक डॉक्टर्स के हित की बात है, नहीं ये प्रदेश की जनता के हित के अंदर है। जहां तक लगातार डॉक्टर्स ने जो मांग की थी, उस मांग को एक सहजता के साथ स्वीकार कर सरकार ने भेजा है। चूंकि पहले की जो फीस निर्धारण थी 100 रुपए तो 100 से लेकर के और 200 तक का स्ट्रक्चर था, वह बनकर 200 से 400 रुपए का स्ट्रक्चर बनाकर भेजा है। अब वित्त विभाग के गया फाइनल नहीं हुआ, वित्त विभाग उस पर क्या निर्णय लेता है उसके बाद इस पर प्रस्ताव भेज दिया फिर तो निर्णय ले ही लिया जाएगा। मैं एक बार मित्तल सर के पास आता हूं, उसके बाद में अर्चना जी के पास में आऊंगा। फाइनेंस बारे में क्या निर्णय करता है, फाइनेंस को तय करना है, सीधे तौर पर उसके बाद अंतिम निर्णय माना जाएगा। हमने देखा सर ये निर्णय कैसे होते हैं, हमें पता है सर आपने प्रस्ताव भेज दिया, अब उसमें क्या बाकी रहा है। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्तल सर ये बढ़िया है ना, 400 से 800 सीधे डबल कर दो। हाँ
राहुल भाई, मेरा ऐसा इस पूरे मामले में ये मानना है कि जो डॉक्टरों की जो सफेद कमाई है ना, कमाई कई तरीके से होती है ना, तो इनकम टैक्स में दिखाने के लिए शायद उन्होंने अपनी इस फीस को बढ़ाने का ये निर्णय ले रहे हैं सरकार से बात करके, ताकि जो उनकी वार्षिक आय है वो ठीक ठाक सी हो जावे। लेकिन हम खुद देखते हैं, जो अनुभवी लोग हैं जो वहाँ सरकारी अस्पतालों में जानते हैं, कि सिर्फ इस सरकारी शुल्क से ही डॉक्टरों का काम नहीं चलता है। आप देखो, डॉक्टर को घर पे जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका इलाज तभी संभव हो पाता है जब वो डॉक्टर को फीस देता है, और वो तो ऐसी फीस देता है जिसके बारे में कोई पता ही नहीं चलता है। उसको ऑपरेशन कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे, उसको भर्ती होना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, और इसीलिए ये डॉक्टर वहां अस्पतालों में मिलते नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है कि हमारे जो फीस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, लेकिन बहुत सारे तरीकों से हमने खुद ने ये देखा है कि जो सरकारी अस्पतालों के जो परिसर हैं, क्वार्टर हैं, बंगले हैं, उन तक में मरीज डॉक्टर वहीं बैठ के देखते हैं। और अजमेर में तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई डॉक्टरों ने जो जेएनएम अस्पताल में काम करते हैं उन्होंने अपने घर पर ही मेडिकल स्टोर तक खोल लिया है। मतलब जो कमाई के सोर्सेज हैं वो कई तरीके से हैं। ठीक है, चारों तरफ हाथ फैला लिया सर, जहां जहां से पैसा आ जाए ठीक है, किसी की आर्थिक बेहतरी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मरीजों को अस्पताल में तो देखा जाए। डॉक्टर भंवरलाल जी यादव साहब कोषाध्यक्ष हैं राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर यादव, आप कोषाध्यक्ष हैं, कोष तो बढ़िया हो जाएगा सर, इससे बेहतर कोष कैसे बढ़ सकता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फीस अभी हमारी वर्तमान में जो डॉक्टर्स की फीस है, ये 2011 में निर्धारित की गई थी, और आप देखोगे कि अभी 2018 चल रही है। यदि इसमें इसको डीए के साथ मर्ज करके भी करें तो भी इतनी फीस ही होगी, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप इस तरह की फीस रखोगे, लुक्रेटिव कुछ रखोगे, तो आपको आगे भी टीचर्स वगैरह जो आज आप कह रहे हो ना टीचर्स की कमी से जूझ रहे हैं, मैं आपको तीन स्टेट का नाम गिनाऊंगा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ मेडिकल कॉलेज में टीचर्स की कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ लुक्रेटिव उन्होंने ऐसे दे रखे हैं डॉक्टर्स को कि जैसे आप ड्यूटी आवर्स के बाद में इवन कंसल्टेशन ही नहीं, वहाँ आप प्राइवेट में जाके ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उन्होंने उनको अलाउ कर रखा है। यादव साहब, मैं तो उससे क्या है कि उनको टीचर्स भी मिल रहे। डॉक्टर यादव साहब, ये पूछा जा रहा है सर, आप लीजिए फीस, अगर फीस बढ़ती किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बात ये सर ओपीडी में तो कम से कम टाइम पर डॉक्टर दिखाई दे, ये है प्रदेश की जनता की मांग। नहीं, इससे मैं आपसे सहमत हूँ। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि डॉक्टर्स को ओपीडी में पूरे टाइम रहना चाहिए। और इसमें आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने अभी सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि बायोमेट्रिक्स में जब आप आएंगे और ड्यूटी खत्म करके जाएंगे तो दोनों टाइम आपको बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस देनी है, उसका मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने समर्थन किया कि बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम ड्यूटी पर आ रहे हैं और जा रहे हैं तो हम बिल्कुल इसकी पालना करेंगे। तो इसमें मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन बिल्कुल प्रशासन के साथ है कि डॉक्टर्स को पूरे टाइम ठीक है आउटडोर में बैठना चाहिए। हाँ, यदि डॉक्टर्स किसी प्रशासनिक कार्य की वजह से उपस्थित नहीं है तो बात अलग है, वरना तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करे, उसमें भी मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन प्रशासन के साथ है। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है, डॉक्टर्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है, उनकी सुन भी जल्दी ली जाती है अर्चना जी। अब देखिए, लैब टेक्नीशियंस परेशान है, उनकी सैलरी का कोई सोचेगा नहीं, लेकिन जो मेडिकल टीचर्स हैं उनके, अब कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता, मैडम ऐसा है क्या? लगता तो ऐसे ही राहुल जी, लेकिन दो बातें हैं इसमें कि डॉक्टर्स की जो सैलरी है उसी को क्यों नहीं सरकार बढ़ा देती है, और जो नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनको जो अलाउंस मिलता है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन समस्या ये है कि एक प्रस्ताव आए मेडिकल टीचर्स की ओर से, ठीक है आप दूसरे राज्यों से तुलना करें या फिर मेट्रो सिटी से तुलना करें तो यहाँ के डॉक्टर्स की जो ये फीस कम है, लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि एक तरफ तो हम ये प्रयास करें कि यूनिवर्सल कवरेज हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए हर व्यक्ति का, ताकि उसको जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो मिल सके, लेकिन अगर ये प्रावधान हो गया कि 400 से 800 रुपए फीस हो गई या 250 से 500 रुपए फीस हो गई, तो उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा जो ओपीडी में समय नहीं मिलने के कारण या उसका नंबर नहीं आने के कारण उसकी एक्सीजेंसी वाली स्थिति होती है, वो डॉक्टर के घर जाएगा तो वो कहां से पैसा देगा उसको और किस प्रकार से उसका इलाज सुनिश्चित होगा। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ओपीडी में भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हम उसमें साथ हैं, लेकिन ये मॉनिटरिंग करेगा कौन, ये समस्या सबके सामने आती है। मित्तल साहब ने सही बयां किया
कि देखिए ये नहीं कह सकते हर डॉक्टर ऐसा है, लेकिन कई लोगों ने तो इसे अपने प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित कर लिया। वहां जाकर कुछ घंटे बैठते हैं, उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वहां एक मेडिकल स्टोर भी होता है और जो पैथोलॉजी लैब है उसके साथ भी नेक्सस होता है और वहां उनका कमीशन भी आता है। ये सब चीजें हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही समाधान ये है कि सरकार इस स्तर पर सोचे कि इनकी सैलरी का समतुल्य अन्य सेवाओं में क्या फर्क है, क्यों इस तरह का अनरेस्ट इस तरह से आता है। और दूसरी बात, एक मेरे संज्ञान में जहां तक मुझे जानकारी है कि सेवेंथ पे कमीशन जो आया है उसमें जो नॉन प्रैक्टिसिंग जो डॉक्टर्स हैं उनको जो इसमें अलाउंस मिलता था वो पिछली बार 25% था बेसिक सैलरी का, अब 20% कर गया। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि डॉक्टर्स ने अपने इस प्रस्ताव को रखा है। देखिए इस चीज को बहुत गंभीरता से सरकार को विचार करना हो, कि ऐसा नहीं हो कि हड़ताल से विचलित होकर ठीक है। नहीं भाई, मैंने कहा कहीं दूध का जला चाँद को फूंक फूंक के तो नहीं पी रहा। मैं यही सवाल पारिक सर आपसे ले रहा हूं। आप पहले ये तो सुनिश्चित कीजिए कि ओपीडी में डॉक्टर टाइम पर बैठे, पहली चीज पारिक साहब। और दूसरी चीज अगर आप एक सेकंड पारिक साहब लेट मी कंप्लीट। और दूसरी चीज अगर आप 200 का 400 करते हैं, 150 का 300 करते हैं, तो ये भार क्या एक आम आदमी वहन कर पाएगा? सर आप सैलरी बढ़ा दीजिए ना सर, या आप ये फीस क्यों बढ़ा रहे? देखिए पहली बार सीधे तौर पर बताऊं आपको कि ओपीडी पर डॉक्टर्स बैठे, इसके बाद की प्रतिबद्धता और निष्ठा डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के प्रति है, डॉक्टर्स को चाहिए कि वे ओपीडी में बैठे। सरकार इस बारे में मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार बायोमेट्रिक मशीन लगाने का प्रयास लगा रही है और बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उनकी जो रोजाना का उनको आने जाने का समय निर्धारित होगा, उस पर वह अंगूठा लगाकर या उंगली लगाकर अब वहां पर सत्यापित हो पाएगा, उसके बाद ही वहां से जा पाएंगे। तो जिस प्रकार की सरकार मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रही है उससे मान के चलिए कि ओपीडी में डॉक्टर्स के बैठने का समय बढ़ने वाला निर्धारित होने वाला है। डॉक्टर सिर्फ इन टाइम और आउट टाइम चेक करती है सर। आप ये बायोमेट्रिक मशीन थोड़ी मॉनिटर करेगी कोई सीट पर बैठा है ओपीडी में, कितनी देर बैठा है, कितने मरीजों को जांचा है, ये बायोमेट्रिक मशीन थोड़ी जांच लेगी। जब जब आवश्यकता को देखिए प्रशासनिक आवश्यकताओं पर या किसी ऑपरेशन के समय या किसी गंभीर मरीज को देखने जाना है समय हो सकता है कि वहां से चला जाए, लेकिन बाकी समय उनको वहीं बैठना होगा। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होगी, अधीक्षक के स्तर पर होगी। मंत्री जी खुद इस बारे में 2-3 बार अभी इन दिनों में हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं और लगातार सरकार इस बार प्रयास करेगी डॉक्टर तो ओपीडी में अपना पूरा समय दे। मित्तल सर के पास डॉक्टर के पास समय देने का प्रयास, लगातार चिकित्सा व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। न तो हम हड़ताल से विचलित हैं और न डॉक्टर से किसी अन्य मांग से विचलित हैं। लगातार सरकार ने अपना काम बखूबी करने का सरकार ने प्रयास किया है और जिस प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाएं राजस्थान में तत्परता के साथ सरकार करने का प्रयास कर रही है उसके लिए सरकार को साधुवाद देता हूं। साथ ही मैं डॉक्टर्स को ये भी कहना चाहता हूं कि निष्ठा के साथ फीस उनकी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, लेकिन निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का पालन करें। पता नहीं ठीक है, आप बता रहे ठीक है, अच्छा फैसला है, साधुवाद देने की जरूरत नहीं सर। यहाँ से मैं एक बार मित्तल सर हमारे साथ है, मित्तल सर फैसला तो फैसला वित्त विभाग को लेना है, उसके बाद ही फैसले का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, मैं मित्तल सर आपके पास में आ रहा हूँ। अर्चना जी का सुझाव सही है ना, सैलरी बढ़ा देते, ये आम आदमी पर बोझ डालने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर भी खुश रहते, आम आदमी भी खुश रहता। और ओपीडी की मॉनिटरिंग कोई कैसे कर सकता है सर कि कोई कितनी देर बैठा है? नहीं, अर्चना जी का सुझाव सही है कि इनकी सैलरी बढ़ा दें, लेकिन राहुल भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सरकारी अस्पतालों के हालात तो देखिए। आप कह रहे हैं ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठते, लेकिन जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके पास में लेबर कोई साधारण व्यक्ति जाता है उसको कितनी परेशानी होती है। यदि उसको ब्लड भी चाहिए तो उसको 10 बार धक्के खिलाए जाते हैं, कई बार ग्रुप नहीं मिलता, इतना परेशानी है सरकारी अस्पतालों में कि हद है उसकी। तो ऐसी स्थिति में सर डॉक्टरों को ये चाहिए कि वो अपना यदि शुल्क बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं और उनकी तनख्वाह भी बढ़े, लेकिन कम से कम मरीजों के संग मानवीय व्यवहार तो करें। एक मरीज को बार बार धक्के तो नहीं खिलाएं। कभी एक्सरे में जाते हैं तो एक्सरे की मशीन खराब होती है, कभी ब्लड बैंक में जाते हैं तो ब्लड नहीं मिलता है और इतना परेशान करते हैं पूरे। कोई भी जाके देख ले सरकारी अस्पतालों को इतनी बुरी दशा है। कम से कम सरकार को ये चाहिए, डॉक्टरों को ये चाहिए कि मरीज के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। मेरा साथ में एक सुझाव ये भी है कि इसमें कोई दोराय नहीं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के मुकाबले में डॉक्टरों की संख्या कम है। तो सरकार को ऐसा फार्मूला ईजाद करे जिससे डॉक्टरों की नई भर्ती होवे और डॉक्टरों पर जो बोझ है वो कम हो सके। ठीक है डॉक्टर यादव साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ इस सवाल के साथ में। साहब एक तो ओपीडी में लोग डॉक्टर बैठते नहीं है, ये कोई बायोमेट्रिक सिस्टम तो पता नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है सर, अगर सैलरी बढ़ा देती तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता? सैलरी बढ़ जाती ज्यादा अच्छा नहीं रहता। और क्या आपने प्रस्ताव भेजा, वो प्रस्ताव मान लिया जाएगा नहीं मान लिया जाएगा आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, और इसमें कोई वाजा संशय नहीं है कि नहीं माना जाए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आम आदमी किसको प्रस्ताव भेजे कि कोई ओपीडी में मिले उनको देखा जाए? बता रहे हैं जैसे कि मित्तल साहब डर की ठोकरें खाते हैं, ब्लड के लिए ठोकरें खाते हैं, अपनी जांच करवाने के लिए आम आदमी ठोकरें खाता है, वो कहां प्रस्ताव बना के भेजे सर? डॉक्टर यादव
देखो इस ये काम आज मैं आउटडोर में बैठा हूँ या कोई भी मेरे भाई डॉक्टर आउटडोर में बैठे हैं, ये सब कुछ काम डिवाइडेड होना चाहिए। ये काम प्रशासन को देखना है। एक डॉक्टर आउटडोर में बैठा है, उसका काम मरीज को देखना है, उसका कंसल्टेशन करना है, उसको समझाना है कि आपके क्या बीमारी है, क्या इलाज है, आपको भर्ती होना है या आपको ये जांच करानी है। आप कहो कि एक डॉक्टर आउटडोर में बैठा है वही उसकी जांच कराए, सब कुछ कराए, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि भाई मरीज डॉक्टर्स प्रॉपर आउटडोर में बैठते नहीं है, मैं सब ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर, हो सकता है कुछ परसेंटेज होते हैं, लेकिन यदि कोई डॉक्टर नहीं देखता तो जो अपनी स्टेटिक्स है वो ये बताती है कि पर डे 10 से 12 हजार मरीज जो SMS में आते हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको कैसे देखा जाता है? यदि देख रहे हैं जब भी तो स्टेटिक्स बताती है कि हम पर डे के इतने मरीज देखते हैं। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा फटाफट सर, कि नॉर्थ इंडिया में एम्स के बाद मतलब SMS हॉस्पिटल है जहां सबसे ज्यादा मरीज देखे जाते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि डॉक्टर आउटडोर में प्रॉपर बैठते नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर, हो सकता है कुछ नहीं बैठते तो उनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात गरीब जो मरीज है बेचारा, प्रशासन में कितनी दम है, उसके लिए प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए मरीजों के लिए। इस वक्त तो सर किसी प्रशासन में क्या इतनी दम है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। तो अर्चना जी आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपको लगता नहीं सर मैडम व्यवस्थाएं भी थोड़ा सा सावचेत रहती हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कोई संभल संभल के बोले, ज्यादा कुछ कहना भी गड़बड़ कर देता है? देखिए बिल्कुल राहुल जी, हम तो इस दंश को भी झेल ही चुके हैं और आपने भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई थी उसमें हड़ताल के दौरान, और आपने जिस प्रकार से डिबेट आयोजित किया उसने मनोबल भी तो डॉक्टर्स का था, उसमें इस तरह का एक संचार किया कि वो नैतिकता की जिम्मेदारी को ग्रहण कर सरकार के स्तर पर भी बहुत दबाव बना और हम इस निष्कर्ष पर निकले कि हड़ताल समाप्त हुई। लेकिन देखिए डॉक्टर्स की भी अपनी प्रोफेशनल बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी अव्यवस्थाएं हॉस्पिटल में व्याप्त हैं। SMS हॉस्पिटल की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी, आज हम विपक्ष में इसका मतलब ये नहीं कि SMS हॉस्पिटल पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा दें, लेकिन इतना बड़ा OPD होता है वहां पर, हजारों लोग वहां आते हैं। और डॉक्टर साहब मैं आपको सही करूं तो इस बार तो ये डेटा आया है कि एम्स से भी ज्यादा लोग मरीज यहां पहुंचे, वो सारी बातें सही है। लेकिन राहुल जी एक चीज और भी तो है, चिकित्सा विभाग जो है राजस्थान के तो ल्यूक्रेटिव बिजनेस सेंटर बन गया है। अभी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने खुलासा किया कि NOC देने में ही मालामाल हो रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें जो ऊपर से पेनिट्रेट करती हैं, पोरस हो जाता है सारा मामला, नीचे जाकर के पहुंचती हैं, तो फिर डॉक्टर्स को क्यों दोष दिया जाए जो इतने वर्षों तक पढ़ाई करते हैं? तो वो तो सरकार के नुमाइंदों से सीख रहे हैं जो लाखों का लेन देन करके। अर्चना जी किसी चीज की लेवल से नहीं है, क्या ऑथेंटिसिटी उसकी ऑथेंटिसिटी है कि आपके पास, अरे ऑथेंटिसिटी है कि आपके पास किसी बात के नहीं, आप चैनल पर बैठकर बिल्कुल जिसके प्रति आप कहते हैं, जिसको किसी ने पुष्टि नहीं की, आप पुष्टि करती है इस बात की, उसकी पुष्टि आप करती है क्या? फिर आप बोले पुष्टि करती है तो खंडन करवाएंगे, आप पुष्टि करें ना, आप बोलती प्रतानाते बोलती इस बारे में। राहुल जी कौन निगरानी करेगा? हाँ ठीक है मैडम, पढ़ सकते हैं पर आज आज टॉपिक ये नहीं है ना अर्चना जी, आज टॉपिक ये नहीं है, आज टॉपिक ये नहीं है, किसी ने क्या कहा, आज टॉपिक ये मैडम कि जो फीस दुगनी की गई अपनी भूमिका से बेवकूफी निभाई है। काम डॉक्टर धनंजय एक से बात करिए, एक आप जिस बात को लेकर खड़ी है वो 50 मिनट मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं बात कर रही है ना, वो तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है इसकी उसकी हुई नहीं है, ठीक है। आप उस बात पर यहाँ पर खड़ा करना चाहती हैं फारिक साहब, अर्चना जी बात होनी चाहिए, फारिक साहब, फारिक साहब, अर्चना जी अर्चना जी सुनिए, ज्यादा ठीक होगा अर्चना जी, सुनिए फारिक साहब सुनिए, विषय नंबर सुनिए, अरे नहीं फारिक साहब हो गया, फारिक साहब ठीक होगा, हो गया फारिक साहब हो गया, ठीक है वक्त कम है हमारे साथ, डॉक्टर धनंजय जुड़ गए, डॉक्टर धनंजय जी जुड़ गए। अर्चना जी आपने कह दिया आपका तो भाषण, ठीक है डॉक्टर धनंजय मैं आपके पास में आ रहा हूँ इस सवाल के साथ, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी मजबूरन, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर धनंजय आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ। आज तो सर डॉक्टर बिरादरी खुश होगी, जो प्रपोजल दिया गया था वो प्रपोजल लगभग एक्सेप्ट होने को है, उसमें कोई ज्यादा संशय बचा नहीं है सर, पर ये बेहतर नहीं होता डॉक्टर अग्रवाल कि ये सैलरी बढ़ा दी जाती? आम आदमी वहां पहुंचे और सरकारी डॉक्टर्स के पास में अक्सर वही लोग पहुंचते हैं जो प्राइवेट डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कम से कम वो तो अफोर्डेबल फीसेस हो सर, आप एग्री करते हैं क्या डॉक्टर अग्रवाल? देखो ये किसी भी चीज का खुशी और ये इसका वो नहीं है, ये 8 साल पहले जब ये
कंसल्टेशन फीस रिवाइज हुई थी उस समय यह था कि हर 4-4 साल पे यह प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक कर देंगे, तो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत वो हो रही है कि 8 साल में सब चीजें पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जो कंसल्टेशन फीस रिवीजन या हर तरह से इंश्योरेंस का प्रीमियम है या किसी भी तरह से रिवीजन हो रहा है, एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। जैसे हर साल डीए बढ़ता है या जो साल में 2 बार वो होता है, तो उस प्रक्रिया को अगर जो 8 साल से स्थगित थी और उससे पहले 18 साल पहले बढ़ी थी, तो जब 2010 के या 11 के बीच में बढ़ी थी उसके बाद एक रूटीन प्रक्रिया के। डॉक्टर अग्रवाल, आप इसको नॉमिनल मानते हैं क्या? आम आदमी की जेब पे, आम आदमी की जेब को देखते हुए डॉक्टर अग्रवाल, आप डू यू फाइंड ये नॉमिनल है, ये नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है? ये देखो, ये नॉमिनल पिछले उसको स्थिति को देखते हुए ऐसा कौन सा एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि सरकार ने 2014 में कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी कि उस समय उस सभी पहलुओं को डिस्कस किया था, आर्थिक अर्थशास्त्रियों से डिस्कस किया था, गवर्नमेंट से डिस्कस करके उसकी रिकमेंडेशन 2014 में लगी थी, उस कमिटी की रिकमेंडेशन का इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, ठीक है, और वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन वो बेसिकली जो 2014 में कमेटी बनी थी उसने पूरे परिपेक्ष को देख के तब निर्णय लिया था, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोई रूटीन प्रक्रिया होती है सरकार। डॉक्टर, मैं आपसे बहुत बात करना चाहूँ डॉक्टर अग्रवाल, लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी रही, कुछ ऐसा रहा कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन हमारे साथ मित्तल सर है। मित्तल सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या आम आदमी के लिए आप ये मानते हैं नॉमिनल चार्जेस हैं? फटाफट से मित्तल सर। नहीं राहुल भाई, देखो आम आदमी तो वैसे ही बहुत परेशान है, और मैं मतलब इसमें एसएमएस के ऐसे कई डॉक्टर हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो देखते नहीं होंगे, जरूर देखते होंगे, हम देखते हैं कि जब एसएमएस में जब जाते हैं तो 6-6 महीने में उनका ऑपरेशन डेट की आती है, लेकिन उन्हीं डॉक्टरों को यदि प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन उनका ऑपरेशन हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने की बहुत सख्त जरूरत है, डॉक्टरों की बहुत सख्त जरूरत है, फीस का जहां तक सवाल है वो डॉक्टरों की सैलरी में इजाफा होना चाहिए, इससे गरीब आदमी पर बेमतलब का बोझ पड़ेगा। बिल्कुल, आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा, उसका उत्तर मैं आपको दे देता हूं और आप भी देखिएगा, ये बहुत जरूरी है, सरकार को भी देखना और डॉक्टर्स बिरादरी को भी देखना। आज दिन भर हमने प्रदेश की जनता से सवाल पूछा कि क्या होम प्रैक्टिस शुल्क को डबल करने का निर्णय सही निर्णय होगा? 11% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होगा, 89% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यानी कि सुझाव एसपी मित्तल साहब का और अर्चना जी का सही है कि बेहतर होता कि अगर सैलरी बढ़ा दी जाती, आम आदमी अगर वहां पर पहुंचता है तो उसे कम से कम इलाज आसानी से और कम कीमत पर मिल जाए, यह जरूरी है और यह डॉक्टर्स का धर्म भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मित्तल सर आपका, डॉक्टर अग्रवाल आपका, अर्चना जी आपका, लक्ष्मीकांत पारिक साहब आपका और डॉक्टर यादव आपका। देखिए, सबका घर रुपए पैसे से चलता है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, डॉक्टर्स को भी अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है जब वो प्राइवेट डॉक्टर्स को देखते हैं तो उनका मन भी कचोटता होगा कि साहब वो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दिक्कत इस बात से नहीं है कि उनके पास पैसा कितना जा रहा है, दिक्कत इस बात से कि आम आदमी की जेब से पैसा कितना जा रहा है, इस पर सोचना जरूरी है। आज न्यूज इन व्यूज में इतना ही, आप देखते रहिए राजस्थान न्यूज़।